होती विद्रोहियों के एक कार्गो जहाज को कब्जे में लेने से इसराइल के प्रधानमंत्री आग बबूला हो चुके हैं। उन्होंने इसे ईरान की तरफ से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया। हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज पर हमले की धमकी दी थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इसराइल ने साफ कर दिया है कि ये जहाज उसका नहीं है और न ही उसमें कोई इसराइल का नागरिक सवार है। एक दिन पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने 25 क्रू मेंबर वाले कार्गो जहाज पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है। जानकारी के मुताबिक जब जहाज तुर्की से भारत की तरफ आ रहा था, जहाज लाल सागर में था, तो इस पर हथियारबंद लोग चढ़ गए। तो जिस तरीके से कार्गो जहाज को कब्जे में लिया गया है, उसके बाद से अब लगातार नेतन्याहू जो है वो आग बबूला है। दरअसल बताया जा रहा है कि लाल सागर से जब ये जहाज गुजर रहा था और भारत की तरफ आ रहा था, तभी इस पर कुछ हथियारबंद लड़ाके चढ़ गए, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि इस जहाज को हाईजेक कर लिया गया है, जिसमें 25 क्रू मेंबर शामिल है। लेकिन इसराइल की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि ना तो ये जहाज हमारा है, ना ही इस पर कोई इसराइल का नागरिक सवार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। वहां की न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनेई ने कुछ वक्त के लिए मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ राजनीतिक संबंध को तोड़ने की अपील की है। पिछले हफ्ते मुस्लिम देशों के गठबंधन OIC की बैठक में इसराइल पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने इसराइल से कम राजनीतिक संबंध तोड़ने की बात कही। इधर गाजा पट्टी में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में IDF को बड़ी कामयाबी मिली। गाजा में हमास के सुरंगों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में जुटी IDF ने इस बात का दावा किया कि अब तक हमास के 35 सुरंगों को तबाह कर दिया गया। इस काम में IDF, पैराट्रूपर ब्रिगेड की लड़ाकू टीम, इंजीनियरिंग और एयरफोर्स मिलकर काम कर रही है। IDF ने दावा किया कि गाजा के शेख एजालिन और रिमल इलाके में हमास के आतंकियों के साथ उनका टकराव हो रहा है। इस दौरान IDF हमास के बुनियादी ढांचों और संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। अब तक IDF ने हमास के करीब 35 सुरंगें समेत कई हथियारों को तबाह किया, जबकि हमास के कई लड़ाके सीधी लड़ाई में मारे गए।